टीडी न्यूज़। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान के उन इलाकों से भी लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है जो तुलनात्मक सुरक्षित इलाकों में। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कसाला से दिल्ली पहुंचे ऐसे ही एक गुजराती परिवार से बातचीत की। ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों का सूडान से सुरक्षित भारत पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। अभी अभी एक फ्लाइट आई है सूडान से। मेरे साथ एक परिवार है जो गुजरात से है। इनकी बुजुर्ग माँ है, पत्नी है, छोटी बच्ची है और उनके पापा है। मैं कसाला से हूँ, सूडान में वो जो कसाला स्टेट है वहाँ से कसाला में हूँ। अभी हम लोग सब लोग सुरक्षित पहुंच गए। आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं देख रहे वो कसाला में कुछ नहीं है। कसाला में खाने पीने की चीज, ऑल ओवर लाइटी, पानी सब कुछ मिलता है पानी। लेकिन आप लोग जो न्यूज दे रहे हैं वो खरतूम में है। खरतूम में श्योर है, खरतूम, ओमदुरमान, नॉर्थ खरतूम में, लेकिन कसाला में। अभी हम कसाला से इसलिए है, सब लोग घबरा गए कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कसाला में कुछ नहीं। ये बताइए कि आपको भारत सरकार के लिए क्या कहना है? भारत सरकार के लिए मुझे ये सब ये ऑपरेशन कावेरी है वो दिस इज ए बेस्ट एंड नरेंद्र मोदी दिस इज ए बेस्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय हिंद। एंड जो आपने आर्मी सरकार आर्मी लोगों ने जो हमले पोर्सुदान से जिद्दा और जिद्दा से यहाँ वो मिला है वो थैंक यू वेरी मच। नरेंद्र मोदी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ। इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बुजुर्ग माँ से बात करेंगे, मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? नरेंद्र मोदी जेवा माणसो बहु ओछा दुनिया में थशे। नरेंद्र मोदी तो मारा भाई करता पण विशेष छे, एटला सारा माणस छे के जेनो कई एनो सु भाषा में एनो उपकार मानो ही नत खबर पड़ती के दूर बैठा पण आपणू केटलू करे छे, बहु आकरू छे ई बधु। इनका ये कहना है मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किन लफ्जों में करूं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, दिल से धन्यवाद। आप क्या कहेंगी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, थैंक यू, वंदे मातरम। बेटा आप क्या बोलोगे, कैसा लग रहा है आपको इंडिया के वापस? अच्छा लग रहा है, थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू नरेंद्र मोदी। ये छोटी सी बच्ची का कहना है। इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मेरे भाई जैसा का फर्ज अदा किया है और ये पूरा परिवार सुरक्षित है। एक मानस पर नरेंद्र मोदी जो न था, लाखों में एक है नरेंद्र मोदी, उनके जैसा सरल इंसान कोई नहीं है। कैमरा